वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस ये मेरे पास है ड्यूक 125 का BF6 वेरिएंट, साथ में है यूज़र आर्यन भाई, और भाई ने अभी इसको एक महीने पहले ही ख़रीदा है। तो भाई का पूरा फीडबैक देखेंगे कि एक महीने में अभी लगभग जो 700-800 किलोमीटर की राइड हुई है तो उसमें कैसा रहा फीडबैक, और ड्यूक 125 ख़रीदने का क्या है रीज़न। क्योंकि जिस प्राइस पर ये गाड़ी आती है ना, उस प्राइस पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बाइक्स मिलती हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो क्या रीज़न है ड्यूक 125 ख़रीदने का, पूरा फीडबैक देखेंगे। वीडियो सही लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो आर्यन भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि ये बाइक तुमने कब खरीदी। मुझे भाई 1 मंथ हो गया है इसको, एक महीना हो गया लगभग। कितने किलोमीटर हो गया अभी इसमें? 700, मतलब 700 किलोमीटर तुमने इसको चलाया जी। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब तुमने गाड़ी खरीदी थी तो यही क्यों खरीदी, क्या दूसरी बाइक भी ऑप्शन में थी तुम्हारे? ऑप्शन में थी पर मेरे को यही बेस्ट लगी तो इसलिए मैंने। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ी ऑप्शन में थी तुम्हारे? R15 देखी थी और अपने जावा की न्यू बाइक आई है ना अभी, जावा पिराग सिंगल सीट वाली, वो देखी थी। वो देखी थी, ठीक है। तो वो दोनों क्यों नहीं ली फिर, वो जावा क्यों नहीं ली? जावा का मेंटेनेंस ज्यादा था, मेंटेनेंस ज्यादा लग रहा था। किसने बताया था कि किसी से पूछा, कैसे पता लगा तुम्हें? पता है, मेरे दोस्त ने ली है गाड़ी, वो बता रहा था मुझे। अच्छा, ये बात थोड़ी सी मुझे नई लग रही है यहाँ पे, बाकी ठीक है। और सिंगल सीट तुमने क्या ऑप्शन में सिंगल सीट रख लिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो सिंगल सीटर थी इसलिए फिर घर वाले कहाँ बैठते हैं। अच्छा, वही तो बोल रहा हूँ, घर वाले भी नहीं माने होंगे। R15 जो है उसको क्यों हटाया ऑप्शन से, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इसके कंपैरिजन में। भाई उसकी सीट थोड़ी ज़्यादा ऊपर थी, घर वाले पसंद नहीं कर रहे थे। अच्छा, सेम घर वालों की प्रॉब्लम इसमें भी थी। सेम। और बाकी दोनों की तुमने देखा होगा, चलाया भी होगा, तो दोनों में क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया? जैसे ये KTM की गाड़ी है और वो R15 यामा की है, कुछ पार्ट्स प्लास्टिक में कुछ फ़र्क समझ आया तुम्हें? जी, उसमें फाइबर ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, मेरे को ये बेस्ट लगी इसलिए। और क्वालिटी वालिटी में कुछ अंतर? क्वालिटी इसकी अच्छी है ज़्यादा, उसमें मुझे समझ में नहीं आया कुछ ज़्यादा कुछ, मतलब लुक वाइज भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई वो, और क्वालिटी भी मुझे इतना मतलब खास नहीं लगी। उसमें फाइबर ज़्यादा था, कुछ होता है तो फाइबर आपको पता है, दिक्कत होती। ठीक है, तो अभी आपको पता लग गया कि ड्यूक 125 भाई ने क्यों खरीदी। अब दूसरा क्वेश्चन भाई कि ड्यूक 200 भी आती है KTM की, सेम ऐसे ही लगती है देखने में, वो क्यों दी? उसका माइलेज थोड़ा कम था, कम था, और बाकी तो कोई बाकी देखने में तो लगभग सेम है, बाकी तो सेम ही है। प्राइस भी उसकी ज्यादा होती, मतलब बेसिकली तुमको माइलेज के हिसाब से गाड़ी चाहिए थी, लेकिन वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा करती। चलो, टेस्ट राइड ली थी क्या ड्यूक की 200 की? नहीं ली थी, नहीं उसकी नहीं, उसके लिए मतलब ऑप्शन भी नहीं थी वो तो। हाँ, ऑप्शन भी नहीं थी, उसका प्राइस भी मतलब लिमिट से बाहर था। अच्छा, तो हाँ भाई का जो बजट था वो 1 लाख, हाँ कितने की पड़ी तुमने बताया नहीं अभी? 1,71,000 ऑन रोड कंप्लीट। हाँ, ऑन रोड कंप्लीट। फाइनेंस कराई थी या कैश में? कैश, कैश, मतलब कैश में 1,71,000 की पड़ी भोपाल में जी। फाइनेंस में कुछ स्कीम पता करी थी तुमने? करी थी। क्या क्या, कैसे क्या था उसमें? 20 मतलब 20-25,000 रुपए ज्यादा लग रहे थे और 4,000 की किस्त बनी थी उसकी। डाउन पेमेंट कितना था? डाउन पेमेंट अपना 70,000 कुछ, 70,000 का डाउन पेमेंट में 4,000 की किस्त थी। हाँ, और कितने साल तक? नहीं नहीं, 1 लाख में 1 लाख में। हाँ, मतलब 1 लाख की डाउन पेमेंट थी, 4,000 की 2 साल की किस्त बन रही थी, 4,000 की 2 साल की किस्त बन रही थी 1 लाख के डाउन पेमेंट में जी। तो हाँ, बाकी यार जो फाइनेंस की स्कीम होती है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिविल कैसा क्या चल रहा है, आप क्या जॉब करते हो उसके हिसाब से ही चलता है, और बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं। तो फाइनेंस की स्कीम आप अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाके पता कर सकते हो। माइलेज कितना दे? 35 से 40 निकाल रही है ना, इतना निकाल। तो भाई ड्यूक 125 BS6 जो कि अभी लगभग 700-800 किलोमीटर चली है, अभी भाई को 35 से 40 के बीच में माइलेज दे रही है। अगर आपके पास ड्यूक 125 का BS6 मॉडल है, कितना माइलेज निकाल रहे हो बताना कमेंट बॉक्स में। टॉप स्पीड कितनी चलाई? मैंने 100 टच करवा दी, उससे ऊपर क्या जा रही थी कि नहीं जा रही थी? ट्राई नहीं की, मतलब 100 तक ले गए तुम? 100 नहीं, 98 ले गए, 9800 वो एक ही है। तो हाँ, मतलब 100 उससे ऊपर जा सकती है, तुम्हें कैसा लगा? मतलब पूरा एक्सीलेटर, लेकिन मैंने अभी ट्राई नहीं किया, पहली सर्विस से पहले तुम्हें 90 भी नहीं ले जाना चाहिए था, तो अभी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, टेस्ट करने के लिए किया होगा, तो अभी ध्यान रखना, जब इसके फर्स्ट सर्विस हो जाए अभी 1000 किलोमीटर में होगी, उसके बाद ही आप ज़्यादा स्पीड अप करना। और बाकी ब्रेक्स वगैरह कैसे लगे, परफॉर्मेंस कैसी लगी? ब्रेक वगैरह ठीक है, बस पिकअप में थोड़ा दिक्कत कर रही है गाड़ी अभी, पिकअप में कम नहीं ले रही है, मतलब जैसा पिकअप लेना चाहिए के हिसाब से वैसे पिकअप नहीं। तो भाई 125 सीसी के ना, ये भी तो आप देखो, 125 है तो KTM भी तो है ना? नहीं ऐसा नहीं होता ना, KTM है बट है तो 125 सीसी की पावर, आप देखो इसमें 14.6 BHP की पावर है, उस हिसाब से पिकअप लेगी। हाँ, जो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये चीज मतलब मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ तुमको, बट हाँ बिल्कुल, ये जो है
कि पिकअप कम है, तो एक्चुअल में KTM ड्यूक 125 का जो इनिशियल पिकअप है बहुत कम है, मैंने खुद राइड किया है। इसका जो परफॉर्मेंस आता है ना, जो पिकअप आता है, वो आपको हायर RPM पे मिलता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेली सिटी में राइड करने के लिए रहे हो ना, आप डेली मोस्टली सिटी में राइड करते हो, तो आपको ना पिकअप की थोड़ी सी कमी लगेगी। लेकिन अगर आप इसको कहीं ओपन स्पेस में ले जाओगे, खाली रोड पर ले जाओगे, जैसे ही आपका RPM 7000 RPM से ऊपर जाएगा ना, फिर आपको एक्चुअल पिकअप और एक्चुअल परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अभी जैसे कि कोई कमी लगी क्या तुम्हें? वही पिकअप बस लगी कमी, पिकअप का लग रहा है बस, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तुमने इसको 700 किलोमीटर चलाया है, तो 700 किलोमीटर में तुम्हें सीट वगैरह कैसी लगी? सीट चलाने में कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, सीट में कोई दिक्कत नहीं। सिटी में ही चलाया होगा तुमने अभी? सिटी में चलाया अभी। सबसे लंबी राइड तुम्हारी कहाँ थी अभी? इससे कितने किलोमीटर की रही होगी लगभग? ज़्यादा दूर नहीं, वही 100 एक बार में, 100 एक बार में 100 थी। हाँ, तो 100 किलोमीटर जब तुमने इसको चलाया, तो कभी ऐसा लगा कि भाई सीट अच्छी नहीं है और अच्छी हो सकती थी, या कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, मतलब आराम से तुमने 100 किलोमीटर चला लिया, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई का कहना ये है कि आराम से भाई ने 100 किलोमीटर की राइड करी एक सीटिंग में। और पीछे वाली सीट कैसी है? इसमें जैसे दोस्त लोग तुम्हारे बैठते होंगे, तो क्या कैसी लगी? कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत। घर वालों का भी तो दिक्कत नहीं है सीट में? मम्मी को थोड़ी दिक्कत, थोड़ी दिक्कत है, बाकी अगर आप R15 लेते तो बिल्कुल ही दिक्कत हो जाती, बिल्कुल पैराग में तो बैठा ही नहीं पाते आप। टायर्स कैसे लगे इसके? जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइस, KTM Duke 125 भी सिंगल 125 cc की बाइक है, जिसमें इतने वाइड टायर आते हैं, अराउंड 150 सेक्शन की इसकी वाइडनेस है, काफ़ी वाइड टायर है रियर वाले। तो क्या टायर्स तुम्हें ऐसे लगे? कॉर्नर्स लेते टाइम लिटाते हो जब गाड़ी को, तो कोई दिक्कत होती नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। कभी लिटाया? मतलब कॉर्नर्स लिटाया? कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, कॉन्फिडेंस रहता है ना? कॉन्फिडेंस, ऐसा तो नहीं लगता कि अपन गिर रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं लग रहा ना। अब बताओ ब्रेकिंग कैसी लगी? ब्रेक्स अच्छे हैं? ब्रेक्स अच्छे हैं, उसके ABS, मतलब गाड़ी फ्रंट में ABS है, फ्रंट में ABS है, गाड़ी जितनी भी स्पीड में होगी रुक जाती है, मतलब लॉक नहीं होते, पर स्लिप नहीं होते, स्लिप नहीं होते। ठीक है, तो ABS है भाई। और गाइस आपको बताऊं, 125 सीसी की अभी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, भी मार्च स्टार्टिंग चल रही है 2021, तो सिंगल बाइक है जिसमें आपको ABS देखने को मिलता है, हालांकि फ्रंट में ही ABS है, और वैसे भी भाई 14.6 BHP की पावर है, आप ABS से भी हैंडल कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत तेज नहीं चलती है गाड़ी। तो ये है, टॉप स्पीड भाई ने बता दी, माइलेज ने बता दिया, और 700-800 किलोमीटर का एक्सपीरियंस बता दिया। अभी जब भाई तुम्हारी पहली सर्विस होगी ना, तो कितनी कॉस्टिंग आई वो भी बता देना जी भाई। या इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जब 1000 हो जाएंगे ना, तो लिख देना कि भाई इतनी मेरी पहली सर्विस की कॉस्टिंग आई। तो ये है भाई का फीडबैक। भाई मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने 1,70,000 रुपये इस गाड़ी के लिए दिए, तो क्या वर्थ रखता है या कुछ है कमी, ऐसा तुम्हें लगता है कुछ? नहीं नहीं, वर्थ तो ज़्यादा हो गया थोड़ा, और मतलब इस प्राइस में अपन को और ज़्यादा अच्छी बाइक मिल सकती थी, मतलब परफॉर्मेंस को लेकर, परफॉर्मेंस को लेके, पिकअप को लेके, अच्छा सीसी को लेके। हाँ हाँ, ये बिल्कुल भाई ने एक बहुत बड़ी बात कर दी यहाँ पे, कि 1,70,000-75,000 रुपये अगर आप लेके जाते हो, तो आप आराम से 155 सीसी, 160 सीसी, इनफैक्ट 200 सीसी की बाइक ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। बट KTM है, बहुत सारे लोग KTM की जो अलग ही फैन फॉलोइंग है, तो KTM लोग खरीदते हैं इसी सेम प्राइस में, क्योंकि उसका जो लुक है ना, कहीं से भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा कि भाई 125 सीसी की बाइक है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, मतलब कहीं से भी कॉस्ट कटिंग नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस ज़्यादा होनी थी, बट हाँ भाई ने यह चीज़ फील करी पिकअप में, तुम्हें फील हुआ पिकअप में थोड़ा दिक्कत। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन भाई ये बताओ कि अगर इसी प्राइस पॉइंट में मेरे व्यूवर्स को बाइक रिकमेंड करनी हो, तो क्या तुम ड्यूक 125 रिकमेंड करोगे? और रिकमेंड करोगे तो किसको रिकमेंड करोगे, मतलब किसको खरीदनी चाहिए गाड़ी? मतलब सेम पावर अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं यही बोलूँगा कि ये बाइक मत खरीदो। अच्छा। लुक वाइज खरीदना है आपको तो आप खरीद सकते हो, पिकअप थोड़ा इसका कम है अगर आप मतलब रेसिंग वगैरह करते हो जैसे। मतलब 1,75,000 में सीधा सीधा कहने का तुम्हारा ये है कि दूसरी बाइक अगर मतलब अगर आपको पावर चाहिए अपनी बाइक में, तो आप दूसरी बाइक को देख लो, इसी प्राइस में दूसरी अच्छी बाइक आएंगे। लेकिन अगर आपको KTM चाहिए, लुक वाइज अच्छे चाहिए, देखने में अपीलिंग गाड़ी चाहिए, तो आप इसको ले लो, वर्थ रखती उस हिसाब से। तो देखा भाई का अभी तक का पूरा फीडबैक, पूरा कंक्लूजन, माइलेज भी भाई ने बताया, एक एक चीज बताई। वीडियो का सही लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जो भी आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछो, भाई भी आंसर करेगा, मैं तो करूंगा ही। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।